राजस्थान की सियासत एक बार फिर कोरोना संकट के बीच गहरा गई है। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले पर एक बार फिर पेंच फंसा दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत और बेनीवाल के बीच की सियासी रंजिश यूं तो बेहद पुरानी है, लेकिन कोरोना संकट के बीच भी रंजिश खुलकर नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार देर रात आमजन और किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 माह के बिजली और पानी के बिलों को स्थगित करने का फैसला लिया है, जिसके बाद सांसद बेनीवाल ने सीएम गहलोत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया अपनाते हुए बिल को स्थगित करने की बजाय माफ करने की मांग पर अड़ गए। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, बिजली व पानी के बिल को माफ ही करें, स्थगित करना राहत की श्रेणी में नहीं आता। पहले टिड्डी, फिर ओलावृष्टि और अब कोरोना। आम उपभोक्ताओं व किसानों की आर्थिक व मनोदशा पर विचार करें व बिल माफ करें। सांसद हनुमान बेनीवाल ने 31 मार्च को ही किसानों की पीड़ा उठाते हुए मांग की थी कि कोरोना वायरस के चलते उपजे इस संकट के दौर में आमजन और किसानों को 3 माह के पानी और बिजली के बिल माफ किए जाएं। बेनीवाल के मोर्चे खोलने के बाद प्रदेश की राजनीति में आए ठहराव में एक बार फिर हलचलें बढ़ गई है। बिजली माफी मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का भी बेनीवाल को समर्थन मिला था। खैर, सरकार बिजली बिल स्थगित करने से ज्यादा और रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन बेनीवाल के सख्त रुख से इतना तो साफ है कि विपक्ष मांग पर अड़ा रहेगा।